हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आशा सक्सेना। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पार्लर में ब्यूटीशियन कोर्स जो सिखाने का काम है वो चल रहा है, और ये मेरे स्टूडेंट्स की आज डिमांड है कि मैम फेशियल करके आप बताइए और किस तरह से क्रीम से मसाज होती है वही इनको सिखाना है। और आप भी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, हम पूरी तरह से फेशियल के स्टेप्स वगैरह बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे, जैसा कि हम हर बार बताते हैं आपको। फेस क्लीन करने के लिए यहाँ हमने लोटस का क्लिंजिंग मिल लिया है, और 2-3 मिनट तक हम क्लिंजिंग मिल से सॉफ्टली मसाज देकर फेस को क्लीन करेंगे। और उसके बाद में देखिए, हम गोल्ड क्रीम से और गोल्ड जेल से फेस पर मसाज देकर बताएंगे प्रॉपर वे में फेशियल हमको किस तरह से करना चाहिए। सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। इससे पहले भी हमने फ्रेंड्स काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं फेशियल के, फेस क्लीनअप के, तो आपने देखे होंगे और विश्वास है आपको अच्छे लगे होंगे। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उससे हमको लगता है कि हम जो पार्लर में फ्री ऑफ कोर्स चला रखा है सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट बार हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारा वीडियो वॉच कर सकें। और स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रॉपर वे में फेशियल तभी समझ में आएगा कि हमको किस तरह से फेशियल को करना चाहिए। और ये देखिए, हमने क्लिंजिंग मिल्क 2-3 मिनट तक किया है, और ये इंटरनल पोर्स को खोलते हुए पूरा फेस को क्लीन करता है। और ये अब हम गोल्ड से फेशियल करके बताएंगे आपको। तो अभी हमने गोल्ड जेल आपको जो दिखाया था उसको हमने लिया है और फेस पर अप्लाई करके इस तरह से हम मसाज देंगे। गोल्ड जेल भी हमको बहुत सॉफ्टली करना है फेस पर। ये आप स्टेप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, हम स्लो मोशन में ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जेल से जब हम मसाज करते हैं तो फ्रेंड्स, जेल में जो फ्रूट्स का रस होता है उसी से जेल बनाया जाता है, इसलिए ये जेल इंटरनल पोर्स को खोलते हुए हमारे स्किन के अंदर जाता है। हमारे स्किन की जो परत होती है, ऊपरी परत तो हम क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जो अंदरूनी परत होती है स्किन की, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। और ये जेल जो हमने बताया भी आपको, इंटरनल स्किन तक जाकर वो अपने कार्य को पूरी तरह से करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो हमारे रिंकल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको पुनर्जीवित करता है, रिंकल को रिमूव करता है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं फ्रेंड, जो अपने आप ही जीवित होते रहते हैं और अपने आप ही नष्ट होते रहते हैं। जब हम स्किन का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये सेल ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए, सेल्स को जीवित करके अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए, और जो इंटरनल जो जेल के जरिए जो हमको स्किन को पहुंचाना है, वो जब पहुंचेगा तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। जेल का कार्य हमने आपको अच्छे से समझा दिया, हम सारे फेस पर अप्लाई करेंगे और इस तरह से मसाज देते हुए 5 मिनट तक जेल से मसाज देंगे फेस पर। ये जेल का काम हुआ फ्रेंड्स। और जेल को यूज़ करने के बाद में हम उसको एब्जॉर्ब होने देंगे फेस पर, उसको वॉश नहीं करेंगे। स्क्रब को हमको वॉश करना है, क्लिंजिंग मिल्क को हमको वॉश करना है, लेकिन हमको जेल को वॉश नहीं करना है। और इसी के ऊपर हम क्रीम से मसाज देंगे। आप देखिएगा, ये हमने 5 मिनट तक मसाज दी, और मसाज देने के बाद में फिर हम गोल्ड क्रीम से ही फेशियल करेंगे, मतलब फेस मसाज देकर आपको बताएंगे। और स्टार्टिंग से एंड तक का जो हमारा जो फेस पर हम अप्लाई कर रहे हैं और जो मसाज दे रहे हैं, वो टोटली फेशियल के रूप में आपके सामने पेश होगा, देखिएगा। अब ये जेल से मसाज हमने 5 मिनट तक दे दी,
और अब ये गोल्ड क्रीम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्रीम बहुत अच्छी है क्योंकि ये क्रीम कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है फेस पर, और हर्बल ट्रीटमेंट है और काफ़ी अच्छी है। ये नेचुरल फेस को ग्लो पहुंचाने का काम करती है। नेचुरल्स गोल्ड फेस क्रीम है ये हम बता रहे हैं आपको। और हम इसको अलग लेंगे, फेस का जो भी हम क्रीम यूज़ करेंगे या जेल यूज़ करेंगे तो उसको हमने अलग लिया और स्पून के ज़रिए लेकर हमने सारे फेस पर फैलाया। यह क्रीम सारे फेस पर फैलाने के बाद में देखिए अब हम वही प्रॉपर वे में मसाज फेशियल वाली देंगे। हम इसमें गीला हाथ करेंगे क्योंकि हमारा जो स्मूथली हाथ चलना चाहिए फेशियल में वो तभी चलेगा जब हम थोड़ा सा गीला हाथ करके मसाज देंगे फेस पर। हमने नॉर्मल वाटर लिया है और उसमें रोज़ वाटर थोड़ा सा डाला है। रोज़ वाटर हमारे फेस को मॉइस्चर पहुंचाएगा और स्किन हमारी सॉफ्ट एंड सिल्की दिखाई देगी। इसलिए औरों की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम जब भी फेशियल करते हैं तो हम पानी में रोज़ वाटर ज़रूर मिक्स करते हैं। एक फेस को ग्लोइंग पहुंचाने का काम इस रोज़ वाटर से होता है। हम देखिए ये सारी क्रीम को फेस पर अप्लाई किया और फेस पर मसाज प्रॉपर फेशियल के लिए 30 मिनट्स बहुत आवश्यक है। 30 मिनट्स तक फेस मसाज हमको इस क्रीम से देनी है। ये देखिए हमको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए, सही होना चाहिए। हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन हाथों का नहीं रखेंगे, प्रेशर नहीं रखेंगे। हम नीचे से ऊपर की साइड में हाथों का प्रेशर रखेंगे जिससे कि स्किन हमारी लूज ना हो, ऊपर से नीचे की तरफ स्किन ना डाइवर्ट हो। हम प्रेशर नीचे से ऊपर जब स्टेप लेंगे तो प्रेशर नीचे से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं। ये देखिए हम चीक्स का जो पोर्शन अभी अटेंड कर रहे हैं इस तरह से हम लेंगे फिंगर से और स्किन को ऊपर की साइड खींचते हुए हम ये स्टेप लेंगे। हमको स्किन पर ज़ोर ज़ोर से प्रेशर से नहीं करना है, प्रॉपर वे में सॉफ्टली स्किन को स्ट्रेच थोड़ा सा करना है नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखिए ये स्टेप चीक्स का हुआ, चिन का जो पोर्शन होता है और फॉरहेड का जो पोर्शन होता है वहाँ हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ये नोज़ का है जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है ये स्टेप, और ये आइज़ का है, आइज़ के पोर्शन पर हम बिल्कुल सॉफ्टली मसाज देंगे। यहाँ हम क्रीम को यूज़ करेंगे बराबर। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि स्क्रब को हम आँखों के ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें दाने होते हैं और हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं। क्रीम को हम पूरे फेस पर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और इस तरह से मसाज दे रहे हैं। ये सारे फेस को कवर करता है स्टेप जो आप देख रहे हैं। इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम प्रेशर दे रहे हैं। हम हाथ को नीचे की साइड में लेकर आ रहे हैं लेकिन केवल ये फॉल्स स्टेप है, दिखाई दे रहा है आपको लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप को तो फिर वो थोड़ा सा हम खींचते हुए ऊपर की साइड में ले रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है स्टेप्स को, कहाँ टाइटली लेना है, कहाँ लूज छोड़ना है और कहाँ प्रेशर पॉइंट को हम किस तरह से देंगे। ये देखिए एट के आकार का जो स्टेप है ये चिक्स का है और इस तरह से हम इस स्टेप को लेंगे। अपर लिप, फॉरहेड, नोज, आइज का, चिन का, चीक्स का और नेक का, ईयर का, ये सारे पोर्शन को हमको बराबर देना है। ये अपर लिप का पोर्शन हुआ और अपर लिप के बाद में देखिए ये हम ऊपर की साइड में इस तरह से ये स्टेप ले रहे हैं। हाथ को बिल्कुल स्मूथ हम चलाएंगे जिससे कि एक फीलिंग जो होती है फेस मसाज की वो अच्छे से फील हो और हमारा कार्य अच्छे से शो हो। और रिलैक्स फील करने के लिए फेशियल किया जाता है। ये तो बात अलग है कि फेस को ब्लड सर्कुलेशन जब मिलता है और जो नरिशमेंट मिलता है क्रीम और जेल से तो फिर हमारा स्किन जो फेस की स्किन ग्लो करती है तो वो नेचुरल वे में हमको दिखाई देती है।
क्योंकि जब स्किन ग्लो करती है तो हमारा फेस एकदम चमकदार हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से फॉरहेड पर आईब्रो के पास से हमने लिया, और अंडर आइज का हम विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारी बॉडी में जो अंडर आइज वाला पोर्शन होता है, यहाँ केवल ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हम लोगों के कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, क्योंकि सारी बॉडी में हमारे ऑयल की मात्रा और मॉइस्चर की मात्रा होती है, इसलिए हमारे स्किन बिल्कुल, अगर मॉइस्चर ख़त्म होता है तो ऑयल की मात्रा दिखाई देती है, लेकिन फेस पर केवल अंडर आइज के पोर्शन पर केवल मॉइस्चर की मात्रा होती है, और जब वो ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हमारे फेस पर आती है। सारी बॉडी पर हमारा फेस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए फेस पर कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्टेप में और प्रॉपर तरीके से ही इसमें यूज़ करना चाहिए सामान को, जो हमारी स्किन को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग ही हमको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए फेस मसाज पर या फेस पर कोई भी काम करने से पहले, और अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही हमको प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए और उसी क्रीम से, जेल से मसाज हमको देनी चाहिए। ये देखिए, प्रॉपर फेस मसाज हमने 30 मिनट्स तक दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने फेशियल से पहले भी देखा था कि किस तरह का फेस था, और अब आप फेस वॉश करने के, फेस को पहुंचने के बाद में सारी क्रीम हमने जब अब्जॉर्व कर ली तो उसको पहुंचा है, और ये देखिए फेस में चेंज आया है। अब हम गोल्ड का फेस पैक लगा रहे हैं, और ये फेस पैक 10 मिनट तक लगे रहेगा, और उसके बाद में जब सूख जाएगा तो फिर हम वॉश करके बताएंगे। हमारे फेस पर मसाज देने के बाद में, फेशियल करने के बाद में हमारी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, और जब स्किन के पोर्स खुल जाते हैं तो फिर सारी गंदगी बाहर आ जाती है, लेकिन पोर्स को कभी भी हम खुला नहीं छोड़ेंगे, और उसको पैक करने का तरीका ये है, या तो हम फेस पैक लगाएं फेस पर, और या फिर हम टोनर यूज़ करें, या गर्मियों का टाइम है तो हम आइस क्यूब भी फेस पर यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे फेस को टोनिंग का काम करेगा। ये देखिए, फेस पैक हमने प्रॉपर वे में लगाया। हमको ध्यान रखना है कि लाइनिंग वाला फेस पैक ना लगाएं, जिससे कि लाइनिंग दिखाई देंगे तो वो फेस की स्किन को रिजल्ट पूरी तरह से अच्छा नहीं पहुंचा सकेगी, और हमारी स्किन और भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। बहुत ही देखिए क्लियरिटी के साथ में फेस पैक लगाया है, और अब हम आँखों के ऊपर कॉटन पैड लगा रहे हैं, जिससे कि रिलैक्स फील हो और हमारे आँखों को अच्छे से ठंडक और मॉइस्चर पहुँचे। ये कॉटन पैड लगाया, और 10 मिनट बाद हम फेस को वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका आप देखिएगा कि हम डायरेक्ट नहीं वॉश करेंगे, हम पहले गीले कॉटन से या गीले डिस्पोजेबल नैपकिन से हल्का सा फेस को गीला करेंगे, जिससे कि फेस पैक हमारे स्किन से अलग हो जाए। और अगर हम डायरेक्टली वॉश करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट वॉश करेंगे, खींचेंगे स्किन को, तो रैशेज पड़ने का डर रहता है, और जो पैक है हमारी स्किन पर गलत प्रभाव देगा। यहाँ देखिए, हमने पहले फेस पैक को गीला किया, और गीला करने के बाद में अब बहुत इजीली ये पैक हट रहा है स्किन से। गीला करने से फेस पैक स्किन से अलग हो जाता है और हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक प्रॉपर वे में तरीका होता है, जो हम हर पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, आप मेरे फ्रेंड्स सभी अच्छे से इस फेशियल को प्रॉपर वे में सीख सकें। आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्किन को नरिशमेंट कितना मिला है, और स्किन ग्लो करने लग गई, सारे जो डेड स्किन थी सारे अच्छे से हमको दिखाई दे रही है ग्लोइंग के रूप में। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो, हमारा समझाने का तरीका, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आता है, तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा,
और कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, हम जो एक्सप्लेन करते हैं हमारा वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल हम इस चीज़ का वेट करेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लेकर आएंगे और कोई नए अंदाज में नई चीज़ शेयर आपके साथ करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम ये ट्यूटोरियल जो क्लासेज चल रही है उसको हम प्रॉपर वे में आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और ये देखिए, फेस पैक वॉश करने के बाद में ये मॉइस्चर स्किन को जब मॉइस्चराइजर देगा तो और भी ज़्यादा खिंचाव स्किन पर नहीं रहेगा, सॉफ्टनेस आएगी और ये देखिए शाइन करने लगा। विश्वास है आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपकी चॉइस के अनुसार, अपने स्टूडेंट्स के चॉइस के अनुसार। और बहुत बहुत धन्यवाद।